वेलकम टू फिल्मी बीट। बॉलीवुड में बीते कुछ सालों से तो जैसे सीक्वल और रीमेक का दौर सा चल पड़ा है। मेकर्स अपनी ही किसी भी हिट फिल्म के सीक्वल को बना रहे हैं और नए एक्टर्स को भी कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ओरिजिनल पार्ट के लीड एक्टर की झलक दिखाना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि पहले पार्ट के फैंस सीक्वल्स को भी उतना ही प्यार दें जितना कि उन्होंने पहले पार्ट को बॉक्स ऑफिस पर दिया था। ऐसा ही कुछ भूल भुलैया के सीक्वल को लेकर भी सुनने में आ रहा है। जी हाँ, साल 2007 में रिलीज हुई सुपरहिट हॉरर कॉमेडी का सीक्वल बन रहा है और इसके लिए मेकर्स ने लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके कार्तिक आर्यन को कास्ट किया है। अक्षय कुमार और विद्या बालन जैसे स्टार से सजी इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था और इसी वजह के चलते सीक्वल से भी लोगों को उतनी ही उम्मीदें हैं। भूल भुलैया 2 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पर गौर करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार भी नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार फिल्म के सीक्वल में लीड नहीं बल्कि स्पेशल रोल में नजर आएंगे। अक्षय फिल्म में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव के किरदार में नजर आएंगे। बीते दिनों ही खबर आई थी कि इस फिल्म को अनीस बज्मी निर्देशित करने वाले हैं। बात की जाए पहले पार्ट की तो इसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। अनीस ने हाल ही में अपनी नई फिल्म पागलपंती की शूटिंग खत्म की है। वहीं कार्तिक इन दिनों लखनऊ में अपनी अपकमिंग फिल्म पति पत्नी और वो की शूटिंग कर रहे हैं। अक्षय अपनी नई फिल्म मिशन मंगल की रिलीज के इंतजार में है। वैसे आप भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।